भारतीय जनता पार्टी ने किया जेल भरो आंदोलन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ कलेक्टिव में भारी प्रदर्शन, कर दी सांकेतिक गिरफ्तारी, कांग्रेस के खिलाफ करी जमकर नारेबाजी। किसान कर्ज माफ, सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ के विधायक समेत कई कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज सड़कों पर दिखे। कलेक्टिव पर जमकर नारेबाजी करने के बाद सभी ने सांकेतिक गिरफ्तारी दी। इस प्रदर्शन में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण के विधायक अनिता बदेल, नसीरबाद विधायक राम स्वरूप लांबा, देहात अध्यक्ष पीपी सारस्वत, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। देखिए, जो वर्तमान में राजस्थान में सरकार बनी, उन्होंने चुनाव के दौरान जिस तरह से झूठे वादे किए, किसानों को गुमराह करने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने का काम किया, किसानों को बहुत बड़ा सैलाब दिखाया कि आपके पूरे ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे, और युवाओं को कहा कि आपके बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3,500 रुपये प्रतिमा आपको दिया जाएगा। लेकिन ये केवल चुनावी एक झुलासा दे करके उन्होंने इससे कि चुनाव के दौरान झूठा वादा करके और गुमराह करके जिस तरह सरकार सत्ता में आई है, मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जो वादा उनका 10 दिन में पूरा करने का था, वो आज 53 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। करीब 8-10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन देकर के सरकार की आंखें खोलने का काम किया और उसने कहा कि अगर किसान का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उन्होंने उस प्रेशर को देखते हुए उन्होंने 7, 8, 9 तारीख को कैंप लगाना शुरू किया। लेकिन कैंपों के अंदर भी अभी तक उनको पता नहीं कि किस किसान का कर्जा माफ करना है, कितना कर्जा माफ करना है, और अगर वो पूरा कर्जा जैसे उनकी घोषणा थी वो माफ करते हैं तो 99,000 करोड़ की राशि चाहिए। इस राशि का प्रबंध कहाँ से किया, कहाँ होगा, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह से जो झूठा और खोखला वादा उन्होंने किया है, उसके खिलाफ जन संघर्ष के रूप में एक जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। कितने जो कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि संख्या आपके सामने है, हमने 1000 कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया, ये 1000 से भी ज्यादा संख्या आपके सामने बैठी है, और कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश है कि हम सब राजनीति में काम कर रहे हैं, आम जन को सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं, आम जन के हित की बात कर रहे हैं, और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश की जनता को हम अपना सहयोग देते हुए उनकी सेवा करने का राजनीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी का जो वादा सरकार ने किया है वो लगभग किसी भी स्टेज पर नहीं आया है। इन्होंने सिर्फ कोऑपरेटिव को लिया है, तो कोऑपरेटिव में पहले भी हो चुके हैं माफ, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए कौन कौन से किसानों को लाभ होगा, किसान की कितनी संख्या में जुड़ेंगे, कितना कर्ज माफ होगा, तो इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो ये फैसला हुआ है उसी के अनुरूप सब लोग लगे हुए हैं। ये किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार पूरी मांग माने, बहुत सभी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। ये जेल भरो आंदोलन, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने जनता को और किसानों को भ्रमित करके विधानसभा के में वोट ले लिया और अब भी नाटक शुरू चला करके जिस प्रकार का कर रहे हैं वो आज उनका नहीं चलेगा। मम्मी है वो सरकार की मम्मी है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और जेल भरो आंदोलन के तहत सांकेतिक गिरफ्तारियां दी गई, जिनकी सांकेतिक गिरफ्तारी की जाकर डिस्पर्सल किया जा रहा है। कहां रखा जाएगा इन्हें और क्या व्यवस्था? डिस्पर्सल है ये, 129 के तहत रखा नहीं जाता, अरेस्ट करके सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी प्रदर्शित किए वो छोड़ा जाएगा। यहां से कहां लेके जाएंगे? ये MDS रोड।